रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अलग सी चीज लाई हूँ। तो यूजुअली मैं मेकअप वीडियो या स्किन केयर वीडियोस डालती थी अपने चैनल पे, बट फर्स्ट टाइम एक रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने ना कुछ टाइम पहले ना फेसबुक पे एक लेडी है जिनका चैनल है ASMR मामोनी के नाम से, तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी फेसबुक पे। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो वो ASMR वीडियो थी जो कि बहुत ज्यादा फनी थी। तो आज ना मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो सडनली उनकी वीडियो आ गई। तो यार मुझे वो देख के इतना ज्यादा हंसी आई ना, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूं। छोटी बच्ची हो क्या? तो आपको भी ये वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो में एंड तक बने रहना। सो खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। यार ये साउंड ऐसा है ना, कोई बंदा डांस कर ले साउंड पे। निकाल सकता है ये, मे बी शायद अपने मुंह से कर रही है तभी ऐसा साउंड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हैंड से थोड़ी ना ऐसे से क्रिएट होगा। नहीं चलो, ये हाथ हिलाना समझ आता है, बट कैमरे के आगे ऐसे ऐसे कौन करता है? मैं भी करूं? वेलकम टू ASMR ASMR वेलकम टू ASMR। मतलब इन्होंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग के 44 सेकंड्स तक इन्होंने सिर्फ यही करा है। ओ भाई ये क्या है? मैंने ना इतने ASMR देखे स्किन केयर के, मेकअप के, बट मैंने कभी किसी को इस तरह से ASMR बनाते हुए नहीं देखा। आप कोरिया के लोगों को देख लो, जापान के लोगों को देख लो, वो ASMR बहुत बनाते स्किन केयर पे, बट कोई यार ऐसे ऐसे मतलब हर चीज के साथ। जनता माफ नहीं करेगी, मतलब हर प्रोडक्ट तो तबला बना रखा उन्होंने, मुझे समझ नहीं आई। और सबसे बड़ी चीज ये है, इन लेडी की आईब्रो देखो आप, एक तो इतने ज्यादा आगे से बॉक्स बना रखे हैं। वाह दीदी वाह दीदी। चलो बॉक्स बनाए सो बनाए, तो इतना सा आधे इंच का गैप क्यों छोड़ा है? वो भी नहीं छोड़ते, इसको जोड़ ही देते। क्या बोला तूने? इतना सा गैप क्यों छोड़ा है? और वो इतना ज्यादा वियर्ड सा लग रहा है। मतलब यार आज के टाइम पे ऐसी आईब्रो कौन बनाता है डब्बे से, ऐसे शिनचैन की तरह। शिनचैन की आईब्रो में तब भी गैप होते हैं, आईब्रो में तो बिल्कुल भी गैप नहीं है। देखो अब पॉन्ड्स के मॉइस्चराइजर को दीदी ने तबला बना लिया। इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें क्रीम है नहीं, और दीदी घिस घिस के निकालने में लगी हुई है। कोने में चुपकी नहीं रहती, जो खत्म हो जाता है डिब्बा तो कोने में घिस घिस के निकाल कर वो इमल के मुंह पे लगा देते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। सेम एज इट इज दीदी ने वही करा है। प्राइमर के साथ भी सेम यही। समझ रहे हो आप? ये बहुत गलत था। ये सीरियस भी बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था इस टाइम पर। नहीं हम मेकअप करते हैं तो प्राइमर लगाते हैं मुंह पे, क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी स्किन और मेकअप के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो, पर इन्होंने तो पूरा हाथ में मल लिया, सारा बैरियर तो हाथ पे ही बन गया, उसके मुंह पे लगाई क्या होगा? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फाउंडेशन की बोतल जाती खट 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 खट।
फॉल, ये फाउंडेशन है, मॉइस्चराइजर नहीं है, ये इसको भी हाथ से मला हुआ लगा दिया मुंह पे, क्या है ये, कुछ भी मतलब कुछ भी। बेचारी बच्ची का देखो फेस कलर कैसा है, व्हाइटिश है, और वो उसके मुंह पे कितनी सफेद फाउंडेशन लगा दी, वो अलग से ही पूरा मुंह सफेद कर दिया बेचारी बच्ची का। या मतलब लोगों का इतना ऑब्सेशन क्यों है गोरे रंग से, मतलब कजिन का रंग डस्की होता है, वो क्या इंसान नहीं होते क्या भाई, हम सबको भगवान ने बनाया है, ये हम लोगों की मेंटेलिटी है कि गोरा रंग अच्छा होता है काला रंग बुरा होता है। बेचारी बच्ची का पूरा मुंह ग्रे कर दिया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब एक लेयर इनकी कम थी और उस बच्ची के ऊपर इन्होंने एक लेयर और लगा दी, वाह। भाई इनका क्या ऑब्सेशन है इतना हर चीज को खट 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 करने, शर्म कर। नहीं हर प्रोडक्ट को आपने क्या कोई तबला समझा हुआ है, नहीं तबला समझा हुआ तो आप बताओ, हर चीज को खट 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 खट, उंगलियां दर्द नहीं होती क्या? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बच्ची का मुंह अभी भी सफेद नहीं हुआ तो इन्होंने सफेद रंग का बिल्कुल चिट्टा चिट्टे कलर का पाउडर मुंह पे और लगा दिया। नहीं इनके जो खुद की आईब्रोज थी ना, इनका था कि मेरी ऐसी है डिब्बे वाली, तुम अपनी बहन की भी डिब्बे वाली बनाऊंगी, तो उन्होंने कर दिया। बच्ची की भी आईब्रो पे यहाँ पर दो डिब्बे से बना दिए। काजल जो है ना इतना सा है, इतना पतला सा, उस पे भी दीदी ने ठक 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 करनी बंद नहीं करी। चिक का कलर चेक करो एक बार, एकदम चटकीला लाल टमाटरी वाला, वो भी ऐसी लगाई है, यहाँ पर एम बना रखा है पूरा। दो बिंदी, ये करा क्या है ये उसका मुंह का, दो बिंदी कौन लगाते हैं एक ऊपर एक। ब्लश है ये, पिंक कलर का दीदी ने ब्लश लगाया है, यहाँ पर ज्यादा लगा, गलौटे होते हैं ना जहाँ पर हमारे, वहां पर ज्यादा लगाया दीदी ने ब्लश। मतलब जब भी हम भी मेकअप आर्टिस्ट है, हमें मेकअप करते हैं ना जब हम, तो हमें भी अच्छे से भर भर के प्रोडक्ट निकालना चाहिए, उसके बाद मार मार के डस्ट ऑफ करना चाहिए, एंड देन यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ब्लश लगाना, कभी यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पर लगाना चाहिए गलौटों पर। वाह क्या सीन है। नहीं मैंने ये चीज सुनी है, मेकअप हैज नो रूल्स, बट यहाँ पर ब्लश यार, एक साइड पूरी चपटी है, एक साइड को ऐसे उठा दिया, कुछ भी। भाई बच्ची का रिएक्शन देखो एंड का कितना। ओह यार यार ये कितनी ऑसम है यार। तो बस वो अपना ना अपने इमोशंस को उसने स्टैंड पर कंट्रोल कर रखा है।